चाचा आपकी क्या राय है, इस तरीके से शराब पी के पड़े रहना कोने में, ये किस तरीके का है मामला? ये बेकार आदमी है, बेकार आदमी है इनको। तो यहाँ का व्लॉग शुरू होता है अब से, हालांकि देर हो गई है, जो कि रोज़ होती है, हमेशा होती है, हर व्लॉग में होती है। तो हमारे साथ मौजूद है नाम बता बे अपना। अमन द्विवेदी। गलत नाम बता रहा, रणवीर द्विवेदी। ये एक आदमी देखिए लाश की तरीके पड़ा हुआ, बे उठ मेन डायरेक्टर है हम लोग का, गोल है। वो कहाँ गायब है, गाड़ी लेके गया माई, पता नहीं कहाँ गायब है, कहरा भी आ रहा है, सारे एक्टर बुला के बैठा दीजिए। हाँ कहरा रुको, यही है, देखो क्या होता है। अभी हम आपको मिलवाएंगे एक इंटरेस्टिंग आइटम से। क्यों अमन, अभी बाहर कौन मिला? अभी एक बाहर एक इंटरेस्टिंग आइटम मिला था हम लोगों को, शाहजहां का छोटा मौसेला भाई। खेल के आते आओ, चलो आओ खेले, चल के आओ, आओ तुम भी आओ। अभी ये सब सामान रखा है, तो तुम रुको रुको अमन, तुम रुको, हम लोग आलो बने रहिए हमारे साथ, कुछ देर इंतजार करिए, बस दो मिनट की बात है, बाहर जाके दिखाते हैं वो इंटरेस्टिंग आइटम, आखिर क्या है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो ये कमेंट्री रहेगी भाई के साथ की, कबीर भाई कमेंट्री करेंगे इस विषय में। हाँ तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन पड़ा है, तो थोड़ा सा हम लोग करीब जाते हैं और करीब जाके देखते हैं। ओ चाचा निकल जाएगा? नहीं अभी निकले नहीं है, अरे चाचा अभी निकले नहीं है, जिंदा है बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन सही हाल में लग नहीं रहे मुझे थोड़ा सा, अगर मैं करीब जाके देख रहे तो मैं दूसरे, रुक जाओ दूसरे चाचा। चाचा आपकी क्या राय है, इस तरीके से शराब पी के पड़े रहना कोने में, ये किस तरीके का है मामला? ये बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, इनको तीन बार मैं समझा चुका हूँ कि उठ के दूसरी जगह लेट जाइए, ये मान नहीं रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो इनको उठा के वहाँ फेंक दो, नहीं यहाँ डाल दो कब्रिस्तान में डालते हैं, इनको उठाओ साइड करो, ये सरकारी रोड है, टीपू का चबूतरा नहीं है। फिर तो बोलिए चाचा, यही करना पड़ेगा, यही बात है, इनको वहाँ डालो। इनके पास गए तो चप्पल अप्पल मार रहे थे, बताइए ऐसा होता है कहीं? क्या ही बोले अब इनसे, इनको पास गए समझाने के लिए, हमने उठ के उधर लेट जाओ ना, दम हुए तो हम लिटा दें, लेकिन वही चीज़ है कि ये हमारा काम निपटेगा तो इनको उठा के इधर लिटा दिया जाएगा, सुरक्षित रहेंगे कम से कम। चलिए साथ हैं आज रिक्शे वाले चाचा। चाचा आपका नाम? सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा चाचा हमारे साथ हैं, तो इन्होंने भी वही राय दी जो मैं दे रहा था कि इनको उठा के इस तरफ लिटा दिया जाए, हाँ जिससे इनको चोट ना लगे, क्योंकि चलती रोड के बीच में ये लेटे हुए हैं, गाड़ी वाड़ी आ जाएगी, कोई उड़ा देगी, चोट वोट लग जाएगी, मर भी सकते हैं, इनका बिल्कुल कहना सही है। तो चाचा आपका अनुमान, जनता जानना चाहती है कि इनके अंदर कितना पौआ गया है? ढाई तीन क्वार्टर गिन के अंदर है। तो इनका ये हालत है चाचा, चाचा आप भी पिए? आप कितनी पिए? ढाई क्वार्टर चाचा पिए, लेकिन होश में है, बढ़िया रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवारी छोड़ के आ रहे हैं, हाँ सवारी छोड़ के आ रहे हैं। चलिए चाचा हाथ मिला लीजिए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी है कि काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है मामला हमारा जो है कि शूटिंग का, आज डीवी कॉलेज का शूट था लेकिन वो हो नहीं पाया किसी कारणवश, तो जो है वो थोड़ा मतलब संगीन रहा है, उसके विषय में हम फिर कभी आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो छोटे मोटे सीन है वो निपटाए जा रहे हैं, छोटे मोटे सीन में एक दरगाह का सीन है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, और हमारे साथ कुल मिला के दो लोग और हैं, एक हमारे कबीर भाई साहब हैं, एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं सुमान जी, तो हम तीनों लोग हैं। हमारा सीन जो था यहाँ का वो मैंने निपटा दिया है, तो मैं खाली बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, असल में दरगाह है, कब्रिस्तान है बगल में, यहीं बैठा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा बता दिया जाए क्या है मसला, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब चलता रहता है। यहाँ से देखिए निकलते हैं फिर क्या होता है, कहाँ जाएंगे अभी तो कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ से कहाँ जाना है, क्या खींचना है क्या नहीं खींचना है, एक मिनट पूछ लेते हैं।
अरे यहाँ के बाद कहाँ का सीन है भाई? हेलो हेलो, बताओ बताओ यहाँ के बाद, यहाँ के बाद कहाँ का सीन है? अबे देवा चला के कहाँ का सीन देखा जाए? तो बताओ फिर कहाँ चलना है? ठीक है ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया कि यहाँ के बाद सीधे अब घर निकलना है, तो यहाँ से काम हो गया ख़त्म। तो वहाँ पहुँचते हैं इनके घर पे, देखते हैं क्या बना है, क्या सीन वगैरह बना है, वहाँ पे देखेंगे क्या एक्टिंग हमने करी है। एडिटिंग के बाद थोड़ा बहुत डबिंग वगैरह होगी तो वो कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से भी जल्द ही, मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। हाँ, हो चुका है शूटिंग का एंड, हम लोग आ गए हैं भाई साहब डायरेक्टर साहब के घर के बाहर, और हम भी थक गए हैं, ये भी थक गए हैं, जितनी क्रू थी वो भी निकल ली है, वो सब लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं, संडे का दिन है और कोई काम तो रह नहीं गया है, अब घर पे जो हो वो हो, लेकिन अभी जो है वो है, जो है वो है, वही वाला। तो अब घर जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है, थोड़ी देर जाके सोएंगे, अगर ब्लॉग कंटिन्यू रहता है शाम तक तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, और ये ब्लॉग आपको कल देखने को मिल जाए। तब तक के लिए जय श्री राम।